हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान माई नेम इज़ यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माई लेक्चर सीरीज दिस इज़ लेक्चर नंबर सेवन ऑन करंट अफेयर्स हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चल रही है और इसमें ये लेक्चर नंबर सेवन है आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड स्टेइंग एट होम एंड या स्टे होम स्टे सेफ ऑल राइट सो आज हमारा सेवन्थ लेक्चर है सो लेट्स गेट ऑन टू आर लेक्चर ओके द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज Which among the following is the highest environmental honor? Okay, first of all, before starting, मैं आपको बता दूं कि आज के lecture में I have mostly मतलब almost all the questions are related to your environment क्योंकि environment is a very important subject और environment के ऊपर एक तो पढ़ने का भी मजा आता है और दूसरा informative भी है और इसपे questions बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर आप J K S S B के लिए पढ़ रहे हैं कोर्स उसमें भी पूछे जाते हैं और केयर्स के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें तो मैक बहुत से क्वेश्चन जो हैं बहुत वेटेज रहता है आपका एन्वायरमेंट uh, का ठीक है तो इसलिए हम जो आपका क्वेश्चन हैं इन्वायरमेंट के साथ अभी इस लेक्चर में हम मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आपके इन्वायरमेंट के साथ डील कर रहे हैं और कौन कौन से नेशनल पार्क सेंचुरीज जो आपके लाइम लाइट में रही है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं फाइन ओके सो लेट्स गेट ऑन टू आर फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर अब इन सब अवार्ड्स में से ये सब के सब जो अवार्ड्स हैं आपके ये सब के सब रिलेटेड आपके इन्वायरमेंट के साथ ही हैं बट इनमें से ऐसा कौन सा अवार्ड है जो सबसे बड़ा इन्वायरमेंट

और डी इट इज़ नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दिस सो रिमेंबर कि इस क्वेश्चन का आंसर है जो सबसे बड़ा हाइएस्ट ऑनर है फॉर इन्वायरमेंट इट इज़ द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड नाउ चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड सबसे पहले तो 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नाउ चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो दो तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एक तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि ये सबसे बड़ा हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है इसके साथ एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आगे, आगे आपको बताऊंगी अभी के लिए आप इसको लिखते जाइए कि 2005 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है याद रखिएगा यू जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एक सबसे बड़ी एक इन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है सबसे बड़ी हाइएस्ट जो इन्वायरमेंटल एजेंडाज़ इन्वायरमेंटल uh, डायमेंशन को प्रमोट करती है और इंकरेज करती है कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम क्योंकि ये यू की ही एक बॉडी के अंडर आता है तो आपको ये चीज़ याद रखना है सो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम सबसे पहले आप याद रखना ये प्रोग्राम सबसे पहले तो आपका यू के अंडर आता है दूसरी चीज इसका हेड हेडक्वार्टर्स का क्वार्टर्स आर एट नारोबी कीनिया तो नारोबी कीनिया में इसका हेड क्वार्टर्स है ठीक है कौन सा कॉन्टिनेंट है अफ्रीकन अब अवार्ड दे रहे हैं एजेंडाज़ फिक्स कर रहे हैं तो पैसा भी चाहिए अब जो फंडिंग होता है यहाँ पे 95 परसेंट का जो फंडिंग है वो वॉल्टरी है मतलब जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं जो भी इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड है कोई 193 कंट्रीज हैं एट प्रेजेंट क्योंकि एवरीबडी हर कंट्री का जो है इट्स नॉट ए वन मैन गेम सबको इकट्ठे चलेंगे तभी इन्वायरमेंट बन सक बच सकता है सो वन मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट इसके और ये सब जो है वॉल्टरी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं टूवर्ड्स योर यू एन ई पी फाइन अब यू एन ई पी में ये सब डिसीजंस लेता है रिगार्डिंग योर एनवायरनमेंट बताता है कि हमको कैसे चलना है हाउ कैन वी प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब कैसे डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से अब इसका कोई असेंबली होगा मतलब इसकी कोई गवर्निंग बॉडी होगी याद रखिएगा इनवायरमेंट की जो सबसे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है इट इज यू एन ई ए दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली तो ये क्या है ये इसकी गवर्निंग बॉडी है किसकी गवर्निंग बॉडी है यू की ही गवर्निंग बॉडी है ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है इन्वायरमेंट के रिलेटेड और ये इसकी गवर्निंग बॉडी है फाइन और जितने भी हाइएस्ट डिसीजन जो आपके इन्वायरमेंट के ऊपर लिए जाते हैं वो सब के सब यू के द्वारा ही लिए जाते हैं ठीक है इसी के साथ अब याद रखना चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो दो 18 में बहुत लाइमलाइट में आया था क्यों लाइमलाइट में आया था क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ नरेंद्र नरेंद्र मोदी उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था सो so, 2018 में नरेंद्र मोदी को अलोंग विद फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर दैट इज इमाल्यून मैक्रॉन उन दोनों के उन दोनों को जॉइंटली ये वाला जो अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये दिया गया था और क्यों दिया गया था क्योंकि उन्होंने सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की बात की थी मतलब ऑब्वियसली उससे पहले 2015 में आपका आई एस इंटरनेशनल सोलर लाइन शुरू हो गया था तो उसी के बेसिस के ऊपर इंडिया और फ्रांस दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी फ्रांस के इमालियन मैक्रॉन उन दोनों को सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए दो में आपका चैम्पियंस ऑफ दी अर्थ अवार्ड दिया गया था ठीक है इसी के ही साथ जो सेकंड मैंने कहा था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कि मैंने लास्ट वीडियो में ये कवर भी किया है लास्ट टू लास्ट वीडियो में यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इफ यू रिमेंबर यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो हाल ही में हुआ है आपके 2020 की बात है जिसमें आपके सेवन जो हैं इसके विनर्स हैं यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड और इंडिया की तरफ से किसको मिला ये अवार्ड इंडिया के जो बंदे हैं जिनको ये अवार्ड मिला है उन सात में से दैट इज़ विद्युत मोहन हु इज़ इट इट इज़ विद्युत मोहन जिनको अवार्ड मिला है और ये इंडियन है यंग चैंपियंस का मतलब हो गया कि यंग लोग हैं तो इसके एज क्या है जिनको ये मिलता है ये अट्ठारह से तीस साल की एज के जो लोग हैं ना उन लोगों को दिया जाता है इसलिए हम इसको यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कहते हैं अगर हम विद्युत मोहन की बात करें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन्होंने एग्रीकल्चर के जो वेस्ट हैं उसको सस्टेनेबली कैसे यूज़ करना है मतलब हार्वेस्टिंग वैल्यू क्या है एग्रीकल्चरल वेस्ट की उसके बारे में इन्होंने बताया था और ये खुद ट्वेंटी नाइन के हैं तो ही कम्स अंडर द यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड अगर थर्टी वन के होते तो शायद चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिलता बट उनतीस साल के हैं ट्वेंटी नाइन ईयर्स के हैं तो इनको यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ही आपका यू एन ई के द्वारा चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड आता है यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी यू एन के द्वारा ही दिया जाता है तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना कि दोनों अवार्ड्स में से ये शायद कोई और प्रोग्राम देता होगा कोई और ऑर्गेनाइजेशन देता होगा नहीं ये भी यू एन ही देता है फाइन ऑल right, अब बाकी के भी जो आपके ऑप्शन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं अब जो नीचे के आपके दो ऑप्शन हैं ना आपका सीड अवार्ड एंड ससा कावा ये के ए डब्ल्यू ए है ठीक है ससा कावा प्राइज़ है यहाँ पे प्राइस लिखा है इट इज़ प्राइज राइट ये दोनों भी यू एन ई पी के द्वारा ही दिए जाते हैं ठीक है सो ये दोनों भी यू एन के द्वारा दिए जाते हैं बट ये दोनों हाइएस्ट अवार्ड्स नहीं है फॉर इन्वायरमेंट जो सीड अवार्ड है वो आपके इन्वायरमेंटल ऑन्टप्रन्योर्स को दिया जाता है उन लोगों को जो अपना बिजनेस मॉडल लेके आते हैं और उनके बिजनेस मॉडल में कुछ ना कुछ बेनिफिशियल आपका इन्वायरमेंट के साथ है मतलब उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो इन्वायरमेंट और सोशल लाइफ और इन्वायरमेंट को बेनिफिट करता है उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जबकि जो आपका सासा कावा प्राइज है ये भी एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है उनको दिया जाता है जो प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो सासाकावा से ऐसे सासाकावा ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये याद रखिएगा और जो आपका सीड अवार्ड है वो किनको मिलता है ऑन्टोप्रेन्योर्स को मिलता है देखो ऑन्टोरप्रन्योर्स क्या होते हैं जो एक बीज बोते हैं ना बिजनेस का तो वही याद रखना सीड अवॉर्ड से ऑन्टरप्रन्य जो किसको प्रमोट करते हैं अपने बिजनेस मॉडल के थ्रू आपके इन्वायरमेंट को बेनिफिट करते हैं फाइन ऑल क्वेश्चन नंबर टू विच अमंग द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरी नंबर वन इज इट द बेसल कन्वेंशन नंबर बी इज इट द रोटरडाम कन्वेंशन नंबर सी इज इट द मीना माता कन्वेंशन और नंबर डी इज इट द स्टॉक होल्डिंग कन्वेंशन अब मीना माता याद रखिएगा मीना माता आई एम श्योर आप में से बहुतों को पता भी होगा बट जिनको नहीं पता लेट मी टेल यू मीना माता इज अ डिजीज़ ये एक डिजीज़ का नाम है और जिस चीज़ की वजह से ये डिजीज़ होती है उसको ही रोकने की वजह से जो ये कन्वेंशन बनाया था इसीलिए इसका नाम भी उसी डिजीज़ के ऊपर रख दिया गया अगर हम मीना माता कन्वेंशन की बात करें सो इट इज़ रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरी सो इट इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ कॉज बाय सिवियर मर्क्यूरी पॉइजनिंग अब मीना माता कन्वेंशन जो है एक ग्लोबल ट्रीटी है जो ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है किससे प्रोटेक्ट करता है मर्क्यूरी और मर्क्य कंपाउंड्स के द्वारा जो पॉइजनिंग होती है उसको कंट्रोल करता है ठीक है अब पॉइजनिंग हो रहा है मतलब हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है डेटोरेट हो रहा है आपका एनवायरमेंट अब आप याद रखिएगा दो तरीकों से प्रॉब्लम आ सकता है या तो एंथ्रोप्रोजेनिक रीजंस या तो आपके कौन से रीजंस हो सकते हैं नेचुरल रीजंस अब ये किसको प्रमोट करता है एंथ्रोपोजेनिक सो एंथ्रोपोजेनिक जो एमिशन हैं उनको रोकने की ये बात करता है अगर हम मीना माता कन्वेंशन की बात करें तो ये 2013 में इसको क्या किया गया था एडॉप्ट किया गया था कहाँ अडॉप्ट किया गया था जापान में अडॉप्ट किया गया था सो so इन 2013 इन जापान इसको एडॉप्ट किया गया था हाउ एवर ये बहुत टाइम बाद मतलब 2017 में ये फोर्स में आया है सो दिस इज ऑडी नीड टू रिमेंबर कि 2017 में ये फोर्स में आया है और इसका पहला कन्वेंशन कहाँ हुआ है जेनेवा में हुआ है नाउ मीना माता कन्वेंशन इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इट्स अ इट्स लाइक अ पेट क्वेश्चन कि मीना माता कन्वेंशन रिलेटेड टू वर्ड या मीना माता डिजीज किसकी वजह से होता है सो so, आप इसको याद रखिएगा मीना माता कन्वेंशन हुआ है किसके लिए रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरी के लिए राइट right. अब क्या कंट्रोल करता है एमिशंस को कंट्रोल करता है टोल्ड यू इसी के साथ ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी को भी प्रमोट नहीं करता है मतलब ट्रांस बाउंड्री हो गया ये मतलब नहीं है कि अपने यहां से निकालना है तो दूसरे के वहां पे भेज दो तो ट्रांस बाउंड्री एमिशंस को भी ये मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है नाउ यू नीड टू रिमेंबर ये नेचुरल एमिशंस इसमें इंक्लूडेड नहीं है याद रखिएगा एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस इंक्लूडेड हैं लेकिन नेचुरल एमिशंस जो हैं उसमें ये कंट्रोल के बारे में कोई भी बात नहीं करता है जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उसने बोला है कि जितने भी पॉइंट्स हैं मीना माता कन्वेंशन के हम उसको फॉलो करेंगे और मर्क्यूरी का जो एंथ्रोपोजेनिक अमिशंस है उस पर रोक लगाएंगे मतलब रोक लगाएंगे नहीं ऑब्वियसली ये खराब ही है रोक तो लगाए पर उसे कंट्रोल कर देंगे कब तक कंट्रोल करेंगे 2025 तक इसको कंट्रोल करेंगे ठीक है सो दिस अबाउट बाकी के बारे में भी देख लेते हैं नंबर वन इज बेसल कन्वेंशन नंबर टू इज रॉटरडैम एंड नंबर फोर इज योर स्टॉक अब याद रखना बी आर एस ये तीनों के तीनों आपके हजार वेस्ट के साथ रिलेटेड हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कवर uh, करूं बेसल रॉटर uh, डैम और स्टॉक होलम ये तीनों कन्वेंशनस हज़ारडियस का रिलेटेड दोनों में डिफरेंट तीनों में डिफरेंस क्या है तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आई विल श्योरली ब्रिंग यू अ लेक्चर अ डिटेल्ड वीडियो कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये अलग अलग तरीके से आया है ये तीनों के तीनों रिलेटेड हैं आपके हज़ारडियस बेस के साथ जो आपका बेसल है वो नाइनटीन में अडॉप्ट हुआ था रॉटर जो है वो 2004 में हुआ है और स्टॉक होलम भी आपका 2004 में ही हुआ है फ़र्क इतना है ये वाला आपका फेबररी में हुआ था आर वाला और एस वाला आपका मे में हुआ है आई थिंक फेबररी थर्ड को है आई एम नॉट श्योर चौबीस फेबररी आई बिलीव आई आई एम नॉट श्योर बट चलो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बस आप याद रखें अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आए सबसे पहले आपका बेसल आया फिर आपका रोटरडैम आया फिर आपका स्टॉक होलम आया ठीक है और मीना माता किसके साथ है आपका मर्क्यू मर्क्यूरी के साथ रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर थ्री दिलीज द देशन गैप रिपोर्ट अब इनमें से कौन है जो आपका अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को रिलीज करता है अब हाल ही में आपका ओके okay, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं इज इट यू इज इट यू एन ई पी इज इट डब्ल्यू एच ओ और इज इट यूनेस्को याद रखिएगा जो आपका अडाप्टशन गैप रिपोर्ट है ये यू के द्वारा आता है ठीक है अभी हाल ही में आपका जो फिफ्थ एडिशन है ये फिफ्थ है हाल ही में आपका फिफ्थ एडिशन जो है वो रिलीज़ हुआ है जो आपका अडेप्टन गैप रिपोर्ट के ऊपर रिलीज़ हुआ है और इसमें बताया गया देखो अडाप्टशन क्या हो गया अपने आप को अडाप्ट करना अब इस रिपोर्ट में एक्चुअली ये बताते हैं कि कितने फंड्स या फाइनेंस लगते हैं एक कंट्री को मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ को कितना फाइनेंस लगता है इन्वामेंटल चेज चेंज के साथ अडेप्ट होने में इट इज़ उसको बोलते हैं हम अडाप्टेसन गैप रिपोर्ट और इन्होंने रिसेंटली बताया है कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एटलीस्ट कॉट ट्रिपल हो जाएगा अडाप एनुअल कॉस्ट ऑफ अडाप्टेसन बाय 2050 तो 2050 तक पहुँचते पहुँचते अगर अभी एक रुपया खर्च रहे हैं तो 2050 में चार रुपये हमको खर्चने पड़ेंगे हमारे एनुअल कॉस्ट ऑफ अडाप्टेसन में ठीक है जिसके चलते बहुत कंट्रीज हम एन एन ए पी लॉन्च करती है दैट इज नेशनल अडेप्टशन प्लान जो हैं वो रिलीज करती हैं जिसमें बताते हैं कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं फॉर दी अडेप्टशन ठीक है क्वेश्चन नंबर ओके यू एन डी पी का हेड क्वार्टर्स कहाँ पे यू एन डी पी का हेड क्वार्टर्स न्यूयॉर्क ठीक है आई होप यू रिमेंबर डब्ल्यू एच ओ का कहाँ पे है जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड यूनेस्को का कहाँ पे है पैरिस फ्रांस हेड क्वार्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज़ हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड मतलब इनमें से कौन सी जो हमने नीचे बॉडीज़ दी हैं यू एन एफ सी 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 वर्ल्ड बैंक यू एन सी सी डी या नन ऑफ दीज इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो एडमिनिस्टर करती है मतलब एडमिनिस्टर करती है इस ट्रस्ट फंड को तो क्या है इसका आंसर याद रखिएगा मोस्टली जो आपके इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड फ़ंड्स है ना मोस्टली सब नहीं मोस्टली जो है वो आपके यू एन एफ सी 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 करती है ठीक है लेकिन ये वाला जो आपका इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है वो वर्ल्ड बैंक करता है तो आपको याद रखना वर्ल्ड बैंक जिसका हेड क्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में ठीक है हेड आर एट न्यूयॉर्क मैंने आपको बताया था ट्विंस के बारे में भी बताया था मैंने आपको तो जो वर्ल्ड बैंक है जिसका हेड क्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है वो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फ़ंड जो आपका ट्रस्ट फंड है उसको एडमिनिस्टर करता है अब ये जो फंड है तो ये कौन कौन सी कन्वेंशन के साथ रिलेटेड है ये पाँच कन्वेंशन के साथ रिलेटेड है जिसमें आपका सी आता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी यू एन एफ सी सी आता है इसी के साथ आपका स्टॉक होलम कन्वेंशन जो हमने पीछे पढ़ा वो आता है यू एन सी सी डी आता है डिजर्टिफिकेशन के रिलेटेड एंड जो हमने अभी किया मीना माता कन्वेंशन उन ये पाँचों के पाँचों जितने भी हैं उनके साथ इन पाँचों कन्वेंशन के साथ ये जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट ये जो आपका फैसिलिटी ट्रस्ट फंड है वो लीड करता है, बट इसका एडमिनिस्टर कौन है कौन इसको हेड करता है इट इज हेडेड बाय द वर्ल्ड बैंक फाइन ऑल राइट क्वेश्चन नंबर फाइव इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री ज्वाइंटली लॉन्च आई एस ए ना वॉट इज आई एस ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ड्यूरिंग अब कॉप ट्वेंटी वन ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ये आप याद रखिएगा कॉप इक्कीस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ट्वेंटी वन हुई थी आपकी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के ऊपर दो हजार पंद्रह में हुई थी तभी आपका ये जो आई एस ए है ये आया था अब कौन कौन सी कंट्रीज के साथ थी जापान ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया या फ्रांस तो आपको याद रखना है इंडिया एंड फ्रांस इंडिया और फ्रांस दोनों ने जॉइंटली जो है आई को स्टार्ट किया था और आई एस ए इज़ दी ओनली एकमात्र ऐसी एजेंसी है ऐसी अलायंस है रादर जिसका हेड क्वार्टर्स मतलब यू की एक ग्लोबल ऐसी अलायंस है जिसका हेड क्वार्टर्स आर इन इंडिया वेयर आर दी हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस द क्वार्टर्स आर एट गुरुग्राम इंडिया तो गुरुग्राम इंडिया में इसका हेड क्वार्टर्स है और एकमात्र ऐसा अलायंस है इंटरनेशनल जिसका हेड क्वार्टर्स हमारे हिंदुस्तान में है 2015 में इसका आइडिया पुट फॉरवर्ड किया गया था एंड लेटर ऑन जो है आपका ये शुरू हो गया था अब याद रखिएगा हाल ही में ये जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है अगर हम अभी की बात करें तो मोर देन वन कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेम्बर बन चुकी हैं अगर आप देखोगे ना इसमें मोस्टली जो कंट्रीज़ इसकी पार्टनर्स हैं या इस जो आपकी इसमें मेंबर्स हैं वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में है अब क्यों है इनके बीच में क्योंकि यहाँ पर ही जो सोलर रेडिएशन है वो डोमिनेट करती हैं अब आप बोलोगे कि ग्रीन लैंड पार्ट बन जाए डेनमार्क पार्ट बन जाए तो वो क्या है आपकी आपकी स्कैड कंट्रीज़ आ गई वो ठंडी कंट्रीज़ है राइट खैर ग्रीन लैंड तो आपका खुद ही डेनमार्क का पार्ट है बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बिल्कुल ले की भाषा में कि ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में सोलर रेडिएशन्स जो है वो डोमिनेंट हैं इसलिए इन्हीं जगहों के मेम्बर्स ज़्यादा हैं क्योंकि ये जो हैं वो सोलर अलाइंसिस uh, को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं और यहाँ पर ही सोलर रेडिएशन्स का सोलर एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है और अगर हम हाल ही की बात करें तो इंडिया और फ्रांस उनको वापस से रीअलेक्ट कर लिया गया है इंडिया का एज अ प्रेजिडेंट और फ्रांस को एज़ अ को प्रेजिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ टू ईयर्स ठीक है दो साल के लिए इंडिया और फ्रांस को री इलेक्ट कर दिया गया है एज प्रेजिडेंट एंड को प्रेजिडेंट साइमन आपका uh, जो भी है ये रिस्पेक्टिवली ठीक है नाउ इसी के साथ uh, एक रिपोर्ट है जो आपका इंटरनेशनल सोलर लाइन्स है वो रिपोर्ट निकालता है पब्लिश करता है वो रिपोर्ट है ईज़ ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट ईज़ ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट अब आप ईज़ ऑफ डूइंग देख कर मार्क मत करके आ जाना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ सेपरेट रिपोर्ट बाई वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट इज अ सेपरेट रिपोर्ट रिलीज बाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाइन तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है ठीक है और इस रिपोर्ट में किन को प्रमोट किया गया है दो हजार बीस की ये रिपोर्ट थी इसमें बताया गया है कि परफो सोलर एनर्जी परफॉर्मर्स कौन कौन से थे मतलब ऐसे कौन से कंट्रीज़ थी जिन्होंने सोलर एनर्जी को भरपूर इस्तेमाल करके अच्छी परफॉर्मेंस अपना दिखाया है ठीक है ऑल राइट right. Uh, एक और चीज़ आप इसमें याद रखें कि इटली जो है वो लेटेस्ट मेंबर बना है इसको ज्वाइन करने के लिए जो आपका इटली है इट इज़ द लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन आपका सोलर एलायंस नाउ इटली इज वॉट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है राइट right? अब जो आपका इटली है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में तो नहीं पता ये ट्रॉपिकल कंट्री तो है नहीं लेकिन इटली ने भी इसको ज्वाइन किया है अब इससे हमको ये पता चलता है कि जो इंटरनेशनल सोलर एराइंस हैं उन्होंने अपने आप को वाइडन कर दिया है मतलब अब सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ नहीं जो ट्रॉपिक्स के बाहर कंट्रीज़ हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं ठीक है थीके? और इसी के ही साथ आप हाँ ये चीज़ें आप याद रखें फ़ाइन हाँ जो आपका इटली है इटली के बारे में एक और चीज़ याद रखिए जो जी ट्वेंटी समिट होने वाली है 2021 की वो इटली ही होस्ट करने वाला है सो जी ट्वेंटी समिट जो है 2021 की जो होनी है वो इटली ही करने वाला है नाउ वी येट हैव टू वेट कि ये कैसे होगा ऑनलाइन uh, होगा या uh, सब जाएंगे क्या होगा वो वी हैव टू वेट फॉर इट ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट विल इंप्लीमेंट ग्रीन एजी प्रोजेक्ट ग्रीन एजी प्रोजेक्ट सबसे पहले तो एजी का मतलब आ गया आपका एग्रीकल्चर ठीक है कौन कौन सी स्टेट है नंबर वन इज इट मिजोराम नंबर टू इज इट उत्तराखंड नंबर सी इज इट राजस्थान और नंबर डी इट इज ऑल ऑफ दब जो आपका ग्रीन एजी है ना इट इज टू रिड्यूस ए मिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर जो आपके एग्रीकल्चर से जो एमिशन होता है और जो एडवर्स इफेक्ट होता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर उसको रिड्यूस करने के बारे में बात हो रहा है इसी के ही अलावा ये जो प्रोजेक्ट है जो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है वो एम करता है कि हम uh, कुछ टेन लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट जो इसका काउंट है बट काफ़ी हेक्टेयर ऑफ फार्म्स जो हैं उनको अंडर लाना है सस्टेनेबल लैंड और वाटर मैनेजमेंट के ठीक है ओके okay, अब ये कौन कौन सी स्टेट्स में हो रहा है याद रखिएगा ये पांच स्टेट्स में लागू होने वाला है पांच स्टेट्स में लागू होने वाला है कौन कौन सी एम एम आर ओ यू मिजोरम मध्य प्रदेश राजस्थान ओडिशा एंड उत्तराखंड सो यू से यूपी नहीं है उत्तराखंड है सो so, मिजोरम मध्य प्रदेश राजस्थान और दिशा, उत्तराखंड इन तीनों पांच स्टेट्स में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें क्या होगा इसमें रिड्यूस करना है हमको एमिशन जो एग्रीकल्चर के द्वारा जो है आपका रिलीज होता है अब बहुत कुछ करना है बहुत कुछ करने के लिए पैसा चाहिए तो फंड कौन करेगा फंड कर रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कौन है कौन एडमिनिस्टर करता है इसको पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड बैंक ठीक है सो वर्ल्ड बैंक जो इसको एडमिनिस्टर करता है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वही वही है जो इसको फंड करने वाला है तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या करेगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसका एग्जीक्यूटिव एजेंसी है क्या है इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी एग्ज्यूट करेगा लेकिन पैसा हमको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से आ रहा है फाइन तो इसका क्या आंसर होगा ऑल ऑफ दी और इसके अलावा दो भी है मिजोरम हो गया मध्य प्रदेश आर से राजस्थान ओ से ओडिशा और आपका यू से उत्तराखंड एम आई क्लियर ऑल राइट ओके सो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन इज वेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ बायो डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड कि इनमें से कौन सी आपका डे क्या कहते हैं डेट है जिसमें आपका इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है अब इज़ इट मे ट्वेंटी थ्री इज़ इट मे ट्वेंटी टू इज़ इट मे ट्वेंटी वन और इज इट मे ट्वेंटी सो इट इज़ मे ट्वेंटी टू क्या है मे ट्वेंटी टू मे 22 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायो डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अब याद रखिएगा ये पैंडमिक का टाइम है तो इसको ऑनलाइन तरीके से किया गया है किया गया था इसको सेलिब्रेट uh, अब इसमें स्लोगन क्या दिया गया था पैंडेमिक चल रहा है कोविड नाइन्टीन का स्लोगन था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन कि हम सब पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है आई एम सो सॉरी मेरी उंगलियां बहुत बड़ी है और फोन थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा हॉच पॉच हो जाता है तो आप याद रखिए इट इज वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन राइट मे ट्वेंटी टू एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इंडिया ने डिक्लेयर किया है ये हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडावर्सिटी डन इसको आप छोड़ो मे ट्वेंटी टू आंसर है एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि इंडिया ने डिक्लेयर किया है क्या डिक्लेयर किया है 2021 को एज द ईयर ऑफ इनवायरमेंट ठीक है सो याद रखिएगा इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया है 21 22 23 या 20 सो इट इज 2021 को एज द ईयर ऑफ इनवायरमेंट अलोंग विथ फ्रांस वही इंटरनेशनल सोलर लाइन हुआ था ना फ्रांस उसी फ्रांस के साथ ज्वाइंटली दोनों कंट्रीज ने बोला है कि दो हजार इक्कीस इज आर ईयर ऑफ एनवायरमेंट क्लियर ऑल राइट क्वेश्चन नंबर एट वेयर इज श्री ओके क्वेश्चन नंबर एट इज वेयर इज श्री वेयर इज़ श्री लंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर श्रीलंका लंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अलोंग विद इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ऑन एनवायरमेंट आप मुझे कमेंट uh, में ये भी बता देना अगर आप चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट सेंचुरीज वगैरह कवर करूँ जो आपकी न्यूज़ में रह चुकी है प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन ताकि आई नो वॉट नेक्स्ट टू ब्रिंग ओके सो वेयर इज़ श्री लंका Uh, मरेश महेश्वरा uh, मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इट आंध्र प्रदेश इज इट केरल इज इट अंडमान निकोबार और इज इट लक्षद्वीप तो याद रखिएगा ये है आपका आंध्र प्रदेश में ठीक है अब आंध्र प्रदेश में तो है ये न्यूज़ में क्यों है ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इट इज़ द ओनली हैबिटैट ये ओनली हैबिटैट है इन द वर्ल्ड नॉट इंडिया इन द वर्ल्ड जो होम है किसका होम है एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड की स्पीशी का क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशी नाउ व्हाट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशी याद रखना इट इज जेडॉन्स कॉर्सर आप इस बर्ड का फोटो भी देख सकते हैं बहुत छोटी सी प्यारी सी बर्ड है और ये एंडेमिक है टू आंध्र प्रदेश एंडमिक मतलब ये यहीं पाई जाती है और पूरे वर्ल्ड में इट इज़ दी ओनली होम जहाँ पे ये पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था इसलिए आप याद रखना या तो आपको इस बर्ड के लिए पूछ सकते हैं इसका आई के अंडर रेड लिस्ट में इसका क्या स्टेटस uh, है सो इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड नंबर टू दे कैन आस्क यू इट इज़ एंडमिक टू विच स्टेट सो इट इज एंडमिक टू आंध्र प्रदेश इंडिया इसके अलावा देखें आज क्योंकि भाई ये वाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है तो इट इज आंध्र प्रदेश और यहाँ पे ये बर्ड पाई जाती है uh, अगर हम एंडमिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा एक और आपका बर्ड है हिमालयन कुएल हिमालयन कुएल ये भी एक बहुत छोटा सा बर्ड है वो ये भी आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है और ऐसा कहा गया है कि जिस तरीके से इसकी तादाद कम हो रही है दो तक ये एक्सटेंट भी हो जाएगा और ये कहाँ पाया जाता है ओनली इन द माउंटेंस ऑफ उत्तराखंड सो हिमालयन quail नाम ही हिमालयन है तो कौन सी हिमालयन स्टेट उत्तराखंड सो so, एक आप हमने आपका ये आपका जेरडॉन के बारे में पढ़ा कहाँ पे एंडमिक आंध्र प्रदेश और हिमालयन जो है अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक्स टू बी एक्सटेंड बाय 2023 ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है और एंडमिक टू द माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड एम आई क्लियर ऑल राइट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन इज ग्लोबल टाइगर फोरम एंड इंटरनेशनल कोलेबोरेशन ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज हैज सेट अ ग्लोब गोल ऑफ डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इंडिया ने अपना ये जो डबलिंग काउंट था ना उसको पार भी कर दिया मतलब हमने उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया हुआ है ठीक है अब ये जो टाइगर फोरम है ये एक इंटरनेशनल कोलेब्रेशन है मतलब इंटरनेशनली जितनी भी आपकी टाइगर बेर, बेयरिंग कंट्रीज़ हैं टाइगर बेयरिंग कंट्रीज़ क्या होगी देखो हर जगह तो आपको हर तरीके के एनिमल्स मिलते नहीं हैं वो वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट क्लाइमेट सॉयल जो ये चीज़ें खाते हैं प्रे ये सब चीज़ें उनके लिए क्या हो है मतलब एडजस्टेबल हो अडाप्टेबल हो वहाँ पर ये पाए जाते हैं अब यहाँ पे जो आ, अगर हम रॉयल बेंगौ टाइगर या इंडियन टाइगर की बात करें तो तेरह कंट्रीज़ हैं जो आपके टाइगर बेयरिंग है मतलब ये जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उसमें से सिर्फ तेरह कंट्रीज़ हैं जो आपकी इंडियन टाइगर बेयरिंग कंट्रीज़ हैं और सबसे ज़्यादा जो आपके रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं या इंडियन टाइगर्स हैं वो आपके इंडिया में ही पाए जाते हैं ठीक है सो आपके हिंदुस्तान में ही वो पाए जाते हैं और ये जो ग्लोबल फोरम है ये आया था और इसने कहा था कि हम क्या करेंगे जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको डबल करेंगे कब तक करेंगे 2022 तक करेंगे सो so, डबल टू टू सो टू जीरो टू टू से क्या करना है डबल टू कर देना है दुगना कर देना है सो डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन इन बाई टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू जिसके चलते अगर आपने कभी सुना होगा तो एक अवार्ड टी एक्स टू अवार्ड भी दिया जाता है टी एक्स टू का मतलब क्या हो गया टाइगर टाइम्स टू मतलब जितने भी टाइगर हैं तेरा कंट्रीज में उनको डबल करना है सो टाइगर टाइम्स टू डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन बाय व्हाट टू टू ट्वेंटी टू क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन ओके विच स्टेट व फर्स्ट टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट ऑन लेपर्ड या लेपर्ड प्रोजेक्ट तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट थी हिंदुस्तान की ऑफ कोर्स जिसने प्रोजेक्ट लेपर्ड को लॉन्च किया था अब सबसे पहले जो लेपर्ड है आई यू सी एन की लिस्ट में ये वनरेबल है क्या है जी वनरेबल है ठीक है ओके एशियाटिक लाइन्स के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वन मिनट डोज है आप उसको भी देख सकते हैं सो so, जो आपके लेपर्ड्स हैं ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं और पहली स्टेट जिसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मतलब इनको बचाने की बात की थी वो कौन सी स्टेट थी वॉज इट मध्य प्रदेश वॉज इट आंध्र प्रदेश वॉज इट राजस्थान स्पेलिंग गलत लिखे हैं और वॉज इट कर्नाटका तो याद रखिएगा इट इज़ राजस्थान सो राजस्थान इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च प्रोजेक्ट लेपर्ड अब इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं पहले तो ये आयु सी एन की लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में आ गया दूसरा आप याद रखना कि इनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है जो इनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है सब पहली कंट स्टेट जो आप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो है मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉलोड बाय कर्नाटका या कर्नाटक और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र ठीक है so, सो uh, मध्य प्रदेश कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ये वन टू थ्री है आपके हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड लेपर्ड कौन सी आता है कैटेगरी में वनरेबल कैटेगरी में आता है अब जो लेपर्ड इतने मरते वगैरह हैं उसमें मैक्सिमम रीज़न जो है वो है आपका पोचिंग और मैक्सिमम जो पोचिंग इंसिडेंट्स है वो आपके उत्तराखंड में देखे गए हैं फॉलोड बाय महाराष्ट्र ये क्या है आपके पोचिंग के इंसिडेंट्स की मतलब सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड को मारा जाता है इनकी स्किन uh, वगैरह की तश तश्करी होता है ना ट्रैफिकिंग या उसके लिए पोचिंग के लिए इट इज योर उत्तराखंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र जबकि पॉपुलेशन की बात किया जाए नंबर वन इट इज मध्य प्रदेश फॉलोड बाय कर्नाटका और कर्नाटक एंड नंबर थ्री इट इज योर महाराष्ट्र फाइन ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन इज़ वेयर इज़ कन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो कन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पे है ऑप्शन नंबर वन इज़ इट आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी इज़ इट अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी इज़ इट मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी इज इट गुजरात तो जो कन्नो नेशनल पार्क है इट इज़ एट मध्य प्रे मध्य प्रदेश है ठीक है मध्य प्रदेश में जो है आपका ये कन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अब ये लाइमलाइट में क्यों था ये लाइमलाइट में इसीलिए था एशियाटिक लाइंस की वजह से किसके लिए एशियाटिक लाइंस की वजह से याद रखिएगा एक तो एशियाटिक लाइंस के ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है आई विल लिंक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ गो एंड वॉच इट इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव एक डेढ़ मिनट का सो इट वोंट टेक लॉन्ग ऑल्सो एशियाटिक लाइन्स की अगर हम बात करें तो गिर नेशनल पार्क जो है कहाँ है गिर गुजरात में इट इज़ द होम इन द वर्ल्ड मतलब इट इज़ द ओनली होम ये एक ही घर है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे आपके एशियाटिक लाइंस पाए जाते हैं सो so, एशियाटिक लाइंस का घर कहाँ पे है गिर फॉरेस्ट गिर नेशनल पार्क में है जो गुजरात में है वहाँ पाया जाता है अब बात कर रहे थे कि गिर जो आपका नेशनल पार्क है वहाँ से इनको ट्रांसलोकेट किया जाए मतलब कुछ वहाँ रखें और यहाँ से कुछ दूसरे नेशनल पार्क में भेजें ताकि वहाँ पर भी ब्रीडिंग हो वहाँ पर भी इनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़े लेकिन गुजरात वालों ने फिर से मना कर दिया उन्होंने बोला कि नहीं हमको ट्रांसलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि एशियाटिक लाइन्स जो है उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है अगर आपको याद होगा तो हाल ही में जो आपके चार से ले कर पाँच एशियाटिक लाइन्स जो थे वो कोविड पॉजिटिव के साथ कोविड पॉजिटिव कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव के साथ डिटेक्ट हुए थे ठीक है तो उसके ऊपर वीडियो भी आप देख सकते हैं फाइन सो एशियाटिक लाइन कौन सी लिस्ट में आता है आई के अंडर रेड लिस्ट में क्या है कैटेगरी में दे आर अंडर एंडेंजर्ड फाइन सो दे आर एंडेंजर्ड ठीक है ओके नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ स्टेट इज अ स्टेट एनिमल नहीं होगा बर्ड होगा इज अ स्टेट बर्ड ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज इट नंबर वन जम्मू एंड कश्मीर नंबर टू इज इट मध्य प्रदेश नंबर सी इज इट आंध्र प्रदेश और नंबर डी इट इज राजस्थान सो याद रखिएगा ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है और आ, आ, ये कौन सी स्टेट का वो है नेशनल आपका स्टेट का वो बर्ड है इट इज राजस्थान सो so, राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है और जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये एक तरीके का फ्लैगशिप स्पीशी है क्या है फ्लैगशिप स्पीशी है फ्लैगशिप ग्रास अगर बिल्कुल प्रिसाइसली बात करें फ्लैगशिप ग्रास लैंड स्पीशी है कौन सा स्पीशी है फ्लैगशिप ग्रास लैंड स्पीशी है फ्लैगशिप का मतलब हो गया जहां पर भी इसकी प्रेजेंस है ना वो डिपिक्ट करता है हेल्थ ऑफ द ग्रास लैंड जैसे जब मैंने आपको डॉल्फिन्स के बारे में बताया था सो आई टोल्ड यू कि वो एक फ्लैगशिप एक्वेटिक एनिमल है क्यों है क्योंकि वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है तो इनकी प्रेजेंस बताती है कि रिवर का इकोसिस्टम हेल्दी है और वो अच्छे से काम कर रहा है अगर उनका मरना ख़त्म उनका मरना शुरू हो जाए पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ जाए तो माना जाता है कि ईको जो है उस वो अनहेल्दी बन गया है या उसकी हेल्थ सही नहीं है फाइन सो ये क्या है फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशिया मतलब ये डिपिक्ट करता है ग्रासलैंड की ग्रास लैंड की हेल्थ को फाइन ऑल राइट सो ये आपके ट्वेल्व क्वेश्चन थे ये मोस्टली हमने इन्वायरमेंट पे कवर किए मोस्टली क्या ऑल द क्वेश्चन वो रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू एवरी वन एंड डे